अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं मौजूद हूँ मंडी भावदेन रेलवे स्टेशन पर, और आज मैं जर्नी करने जा रहा हूँ पिंड दादन खान तक वाया मलकवाल जंक्शन। आज तारीख है 1 जनवरी 2023, और साल के पहले दिन हम अपना सफ़र करने जा रहे हैं, और आज मौसम भी काफ़ी अब्बर आलूर है मंडी भावदेन में। होप के हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। बहुत ज़्यादा तादाद में पैसेंजर मौजूद है रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त टाइम हो गया 9:50, और जो ट्रेन आ रही है वो है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, जो कि लाला मूसा से कराची के दरमियान चलती है। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि 30 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान रेलवे ने PD के शटल ट्रेन का इफ्तिताह किया, जो कि मलकवाल से पिंड दादन खान के दरमियान चलती है और एक पैसेंजर ट्रेन है। और कोरोना की वजह से वो बंद पड़ी थी, और तकरीबन पौने तीन साल के बाद जुम्मे वाले दिन 30 दिसंबर को उसका इफ्तिताह हुआ, और मुझे ना पता चलने की वजह से मैं उसको अटेंड नहीं कर सका। तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ उस ट्रेन को कवर करने, और उस ट्रेन में मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा जर्नी का। उसमें हम जर्नी भी करेंगे और रास्ते में आने वाले जो मनाजर हैं उनको भी कवर करके आपके सामने लाऊँगा। और इस वक्त सुबह के 10 बजने वाले हैं, और 10:06 का एस्टीमेटेड अराइवल टाइम है 18 डाउन का मंडी भावलदीन रेलवे स्टेशन पर। पूरे 10:15 पे अप्रोच बना रही है 18 डाउन मंडी भावलदीन रेलवे स्टेशन पर। PHA20 का लोकोमोटिव लीड कर रहा है, रावलपिंडी शहर का लोकोमोटिव है। ये 2 मिनट के स्टॉप के बाद मंडी भावलदीन से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया 18 डाउन ने। रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पे लिया जा रहा है 18 डाउन को, क्योंकि सामने चिनाब एक्सप्रेस खड़ी है जो कि सरगोधा से लाला मूसा के दरमियान चलती है। एक्सचेंज होने लगा, जी। तो फ्रेंड, 10:50 पे मलकवाल जंक्शन पे अप्रोच बना रही है 18 डाउन, और हमारे पास टोटल 10 मिनट हैं जिसमें हमने टिकट लेना है और PD के शटल ट्रेन के रैक की तरफ जाना है, क्योंकि 11 बजे उसका टाइम है। तो इंशाल्लाह आपको पिंड दादन खान तक का जर्नी दिखाएंगे।
11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस जो कि आगे मलकवाल से निकल के मंडी भावलदीन की तरफ बढ़ रही है, और इसका अगला स्टॉप मंडी भावलदीन है, और उसके बाद आगे ये लाला मूसा जेलम से होती रावलपिंडी हवेलियां तक जाएगी। ये सामने 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी है, और वो वाला रैक उसका है, और इस रैक पे जैसे ही आगे आएंगे तो ये आगे शटल ट्रेन खड़ी है। मिल्लत एक्सप्रेस आगे अपना सफ़र जारी कर रही है मलकवाल जंक्शन से, और इसके बाद PDK शटल ट्रेन जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट करेगी। गॉड कोच है, बाकी कोचेज आपको दिखाते हैं, पहले टिकट ले ले। ये सामने टिकट घर है, यहाँ से हम पहले टिकट लेते हैं अपनी। पोस्टर लग रहा है जी पिंड दादन खान शटल ट्रेन का, जिसका इफ्तिताह 30 दिसंबर को हो चुका है। लगा हुआ है हरनपुर का 140 और पिंड दादन खान का 180, तो ये साथ में टिकट घर है, और ये बिल्कुल साथ ही शटल ट्रेन का रैक है जो कि बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। पिंड दादन खान शुक्रिया। रैक दिखाते हैं आपको, ये साथ में गॉड का रूम है आई थिंक, मलकवाल पिंड दादन खान शटल ट्रेन। इकॉनमी क्लास की कोच है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है। GMCU का लोकोमोटिव है 4914, कुंडियां शेड का। लोकोमोटिव की अपोजिट साइड अटैच है कैब के साथ, मींस के जो ड्राइवर रूम है वो ड्राइवर सीट बैक की तरफ लगी है, और जब ये वापस आएगी तो फिर इसकी फ्रंट साइड होगी अपने सफ़र की तरफ। और इस वक्त ये मलकवाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो ये इसका शेड है। फर्स्ट डिपार्चर हरन हो चुका है, और अभी इस वक्त हम लोग कोच में आ गए हैं, और यहाँ से दिखाएंगे आपको पिंड दादन खान तक का रास्ता। 11:09 पे जर्नी स्टार्ट कर रही है मलकवाल जंक्शन से। अभी टर्न ले रही है पिंड दादन खान शटल ट्रेन अपने ट्रैक की तरफ, क्योंकि मलकवाल जंक्शन पे दो लाइनें हैं, एक ब्रांच लाइन जो कि आगे कराची की तरफ जाती है वाया शोरकोट, और दूसरी है पिंड दादन खान हरनपुर की तरफ मुड़ जाती है। चल रही है, मौसम आज काफ़ी चेंज हो गया।
सहारनपुर के इस ब्रिज को हरनपुर का पुल, फटियावाला पुल और खूनी पुल वगैरह के नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस ब्रिज के दोनों इस तरफ पर पैदल वॉक और मोटर बाइक के लिए छोटा सा रास्ता बनाया गया है, जिस पर लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे पहले, और मकामी दरिया क्रॉस करने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के फट्टे टूटने की वजह से काफ़ी बच्चे और मोटरसाइकिल सवार नीचे दरिया में गिरे थे, जिसकी वजह से इसे खूनी पुल के नाम से भी पुकारा जाने लगा। बाद में इन दोनों इतराफ के रास्ते में लकड़ी को उतार कर लोहे की मजबूत चादरें लगाकर लोगों के लिए ये रास्ता आसान बनाया गया। दादन खान शटल ट्रेन हरनपुर रेलवे स्टेशन पर ग्यारह बज के 21 मिनट पे हरनपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है मलकवाल पिंड दादन खान शटल ट्रेन। हरनपुर जंक्शन है, बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। तकरीबन खाली रैक है क्योंकि एक लोकल पैसेंजर ट्रेन है। रैक की कंडीशंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यूली रिपब्लिश हुए हैं। इनकी सीट्स है, डस्टबिन, यहाँ पे भी 2 मिनट का स्टॉप किया इसने और अभी हरनपुर जंक्शन से अपना जर्नी स्टार्ट करते हुए दादन खान की तरफ बढ़ रही है शटल ट्रेन। कोरोना से पहले ये अपने रूट पे मामूल के मुताबिक चलती थी और कोरोना की वजह से इसको रोक दिया गया था, और उसके बाद तकरीबन 2.5-3 साल के बाद दोबारा से इसको रिस्टोर किया गया। हरनपुर को जंक्शन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ से 2 ट्रैक निकलते हैं, एक पिंड दादन खान की तरफ जाता है और दूसरा ट्रैक गरीबवाल की तरफ जाता है। तो उस ट्रैक पे आजकल सिर्फ एक फ्रेट ट्रेन एक्टिव है जो कि गरीबवाल फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री तक जाती है। ये ट्रैक आई थिंक गरीबवाल की तरफ जा रहा है, गरीबवाल फैक्ट्री की तरफ, और हम लोग पिंड दादन खान की तरफ बढ़ रहे हैं। जिला जेलम का बहुत ही मशहूर तरीन इलाका है पिंड दादन खान, जो कि खेवड़ा नमक की कार की तरह वजह से काफी फेमस है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया आज, और आज 1 जनवरी 2023 है, साल का पहला दिन, और हम आज पहले दिन को ही अपने नए सफर से मिले हुए हैं।
ट्रेन शायद आपको ना दिखाई दे स्मोक की वजह से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि खिड़ा नमक की कान वाले पहाड़ है, फिर साधन खान आगे चकवाल का पहाड़ी सिलसिला। चालीसा रेलवे स्टेशन से पार्क रोड बना रही है, यहाँ पे इसका कोई स्टॉप नहीं है। लाइट्स बिल्कुल न्यू लगाई गई हैं, जो कि अभी फिलहाल वर्क में नहीं है, क्योंकि लाइट वर्क करेंगी रात के टाइम और फैन जो है वो गर्मियों में गाड़ी बाहर की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त हम लोग पिंडरादन खान के करीब पहुंच गए हैं और हमारे मिलाप का यहाँ पे एंड हो जाएगा। पंद्रह किलोमीटर स्पीड कॉशन लगा हुआ है और इस वक्त अप्रोच बना रही है पिंडरादन खान रेलवे स्टेशन पे। शटल ट्रेन लूप लाइन पे ले लिया गया है ट्रैक। बिल्कुल राइट टाइम पे 11:40 पे पिंडरादन खान रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। नाज़रीन इस वक्त रैक बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि यही रैक अभी दोबारा मलकवाल की तरफ जाएगा और दिन में ये 3 चक्कर लगाएगा, तो इसी रैक पे मैं दोबारा मलकवाल की तरफ जाऊंगा और वहां से फिर लोकल बस में बैठ के मंडी बहाउद्दीन की तरफ जाऊंगा। तो फ्रेंड होप कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और इसके साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। तो अभी आपको मैं लोकोमोटिव का अटैच सिस्टम दिखाता हूँ। पावर लूप लाइन पे आ गई है, तो अभी ये दोबारा डाउन साइड पे लगेगी रैक के साथ और फिर यही पावर लेके जाएगी मलकवाल तक इस रैक को शटल ट्रेन के। कुंदिया शेड का लोकोमोटिव है जो कि लीड कर रहा है मलकवाल पिंडरादन खान शटल ट्रेन को। आपको इसका अटैचिंग सिस्टम दिखाते हैं।